आज सावन का पहला सोमवार है, भगवान से क्या प्रार्थना है? ये प्रयागराज की बहुत प्रसिद्ध मंदिर है मनकामेश्वर, तो हम सावन के पहले सोमवार में यहाँ दर्शन करने आए और हम चाहते हैं कि भगवान मनकामेश्वर भगवान देश के सारे सारे श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूरी करें, देश में सुख शांति हो, हर किसी के घर में समृद्धि हो, सुख हो, और हम देश के लिए अच्छी शांति की कामना करते हैं हर, और जिसकी भी जितनी भी मनोकामना है वो सब पूरी हो जाए। हर 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 महादेव। ये सावन का पहला सोमवार है तो क्या पूजा अर्चना की जा रही है? आप जिस स्थान पे खड़े हैं, श्री श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर है, ये प्राचीन स्थान है और काम को भस्म करके भगवान शंकर यहाँ विराजमान हो गए थे, तभी से स्थान जो है विद्यमान है। और त्रेता में भगवान राम जब वनवास के लिए निकले तो अक्षय वट के करीब आने के बाद फिर मनकामेश्वर भगवान का जल अभिषेक किया, तभी से स्थान मनोकामेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। और जो भी श्रद्धालु सच्ची भक्ति और श्रद्धा से जल अर्पण करता है निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। आज सावन का प्रथम सोमवार है और आप देख रहे होंगे कि अपार जन समुदाय सुबह से ही यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से गर्भगृह में आ रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं और जो भी मनोकामना है वो अपनी भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। जलाभिषेक ही हो पाता है मनकामेश्वर में, वैसे रुद्राभिषेक और जलाभिषेक दोनों का ही सावन में बड़ा महत्व है। दूध से अभिषेक करने से स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्या होती है वो निश्चित रूप से खत्म हो जाती है। विजय श्री के लिए गंगा जल से अभिषेक किया जाता है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से किया जाता है। जो भी जो श्रद्धा से आता है और भगवान को जो भी जल अर्पित करे, बेलपत्री है, मदार की माला है, धतूरा है, ये सब जो भी अर्पण करेंगे निश्चित रूप से भगवान मनोकामेश्वर उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे।